हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी फूडी विद मंजू पर। तो बी फूडी विद मंजू की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हमने बनाए थे समोसे, तो चलिए आपके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो समोसे बनाने के लिए हमने 1 किलो मैदा लिया है, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसी के साथ हमने 1 चम्मच अजवाइन लिए। अजवाइन को हमने हाथों से क्रश कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर से हमारे समोसे बहुत खस्ता बनेंगे, तो बेकिंग पाउडर की जगह आप बेकिंग सोडा ना डालें, आप इसमें बेकिंग पाउडर ही डालें। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम ये रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह इसमें डालडा घी भी डाल सकते हो, जो हलवाई लोग होते हैं वो समोसे में डालडा घी डालते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने तेल को आटे में अच्छे से मिला लिया है। तो मोमेंट चेक करने का बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका, आप इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लें। अगर आपके आटे की मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब आपके आटे में मोमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपना डो तैयार कर लेंगे। तो पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि जो समोसे का आटा होता है ना, वो बहुत सख्त होता है। जितना हमारा आटा सख्त होगा, उतने ही हमारे समोसे अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इसलिए हम अपने आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अपने डो को हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सख्त आटा लगाना है। तो ये देखिए, हमारा आटा लगकर तैयार है, बहुत सख्त हमारा आटा लगा है। तो हमें 1 किलो मैदे का आटा लगाने में लगभग 1 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने आटे को ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि और अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। तो इधर हमने 1 किलो आलू लिए थे। आलू को हमने बॉयल करने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो सूख जाए। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच ये धनिया पाउडर। तो ये हमने 1/2 चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे, अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे समोसे में। और ये 1/2 चम्मच के करीब जीरा, और ये थोड़ी सी हींग, और 1 चम्मच ये अपना किचन किंग मसाला, और 1 चम्मच के करीब हमने साबुत धनिया लिया है, इसको भी हमने हाथों से क्रश करके डाल दिया था, और 1 चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ये कसूरी मेथी। और अब अपने मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे आलू के साथ। आप इसमें हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन हम बिना प्याज और लहसुन के बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं। आप इसमें फ्रोजन मटर भी डाल सकते हो। तो ये हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार है। लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना भूल गई थी, जो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब मैगी मसाला, और 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला, और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार है। तो हम अपने आटे को चेक कर लेंगे। तो 1/2 घंटा हो चुका है, हम अपने आटे को चेक कर लेंगे। तो हमारा जो आटा है समोसे के लिए, वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम अपने आटे को एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे, ताकि जो इसमें 1-2 क्रैक है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, समोसे के लिए हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो जब तक हम अपनी लोई बना रहे हैं, तब तक आप हमारी इस रेसिपी को लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। और आप हमारी इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखना, और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको हमारी समोसे की रेसिपी कैसी लगी। और हमें ये भी जरूर बताना कि समोसे किस किस के फेवरेट है। तो ये देखिए, हमें अपनी 1 लोई बना ली है, और इसी तरह से हम अपनी बाकी की लोई भी बना लेंगे। तो अब हम 1 लोई को चकले पर रखेंगे, और इसको लंबे आकार में बेल लेंगे। तो देखिए, मुझे अपनी पूरी बेलने में ना तो सूखे आटे की ज़रूरत पड़ी है, ना ही मोमन की, क्योंकि जो हमारा आटा है वो इतना सख्त है कि वो आसानी से बेल रहा है। तो जिस तरह से आप भटूरे बनाते हो ना लंबे वाले, तो इसी तरह से हम इसको लंबे आकार में बेल लेंगे। तो ये हमने अपनी एक जो पूरी है उसको बेल लिया है। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तो हम इसमें बीच में से कट लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी 2 समोसे बनकर तैयार हैं। तो अभी समोसे बने नहीं हैं, अभी 2 समोसे के लिए जो हमारे पूरी होती है वो बनकर तैयार है। तो इस पर हम, तो इसकी साइड पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और इस तरह से 4 उंगलियां रख के इस तरह से अपने समोसे को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, कितनी आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। अब हम इसके अंदर रखेंगे अपना आलू का मसाला। तो मसाले को हम अच्छे से दबाते हुए रख लेंगे, ताकि जब हम अपने समोसे को चिपकाएं तो जो हमारा मसाला है वो बाहर ना निकले। तो हमने मसाला रख लिया, इसको हम अच्छे से अब दबा देंगे। अब हम इसके ऊपर पानी लगा देंगे।
आप पानी की जगह मैदे का घोल भी लगा सकते हो, इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये वाला हमारा समोसा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा समोसा भी बनाकर दिखाऊंगी। मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करी, मैं आपको एक हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, ताकि आप जब समोसे बनाएं तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए समोसे बनाने में। तो जब मेरे बेटे का जन्मदिन आता है तो अपने हर बर्थडे पर समोसे ही बनाता है, तो उसके तो बहुत फेवरेट है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि समोसे किस किस के फेवरेट हैं। तो ये देखिए, ये वाला समोसा भी हमारा बनकर तैयार है। इसके अंदर हमने अपनी फिलिंग रख दी है, इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे पानी लगा के, और इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे समोसे बना देंगे। तो ये हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हैं। तो आपके घर में अगर कोई पार्टी वगैरह है तो आप इस तरह से समोसे बनाकर रख लें, और आप जब आपके गेस्ट आए तो आप इस तरह से उन्हें तुरंत फ्राई करके दे सकते हो। तो हम कर लेते हैं अपने समोसे फ्राई। तो समोसे फ्राई करने के लिए इधर हमने तेल गरम कर लिया है, तो तेल हमने बिल्कुल अच्छे से हाई टेम्परेचर पर गरम किया हुआ है। तो इसमें हम एक एक करके अपने सारे समोसे डाल लेंगे। तो जब आप समोसे डालें तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गरम होना चाहिए, और समोसे डालने के बाद तो गैस को हम मीडियम कर लेंगे और धीमी आँच पर अपने समोसे को क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो अभी हम समोसे को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जब हमारे समोसे हल्के से सिकने लगेंगे तो वो कढ़ाई से आप ऊपर आने लगेंगे। तो देखिए, हमारे समोसे हल्के हल्के से सिकने लगे क्योंकि वो कढ़ाई से ऊपर आने लगे। तो इन्हें हम पौनी से पलट लेंगे और पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक धीमी आँच पर सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमारे समोसे कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा कलर भी आया है हमारे समोसे पर, काफ़ी क्रिस्पी भी बने हैं। तो इन्हें अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो आप भी एक बार इस तरीके से आलू के समोसे बनाएं और इन्जॉय करें, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जब कभी समोसे खाने का मन करे तो आप इस तरह से घर पर बनाएं, और ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। और इसी तरह से हमने चीज़ समोसे भी बनाए थे, वो भी खाने में बहुत टेस्टी बने थे। अगर आपको उसकी रेसिपी भी देखनी है तो आप हमारे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं अपने समोसे की प्लेटिंग। तो हम एक प्लेट में रखेंगे अपने समोसे। तो मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और अपनी ये तीखी वाली चटनी। तो इन दोनों चटनियों की रेसिपी हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आपको इनकी रेसिपी देखनी है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे अपने 2 चम्मच छोले और ये अपने थोड़ी सी प्याज। तो ये देखिए, हमारी समोसे की प्लेट लगकर तैयार है, काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से समोसे बनाएं और इन्जॉय करें। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।